दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कोर्स और एडवांस अकाउंटिंग कोर्स के बारे में, भी दोनों अकाउंटिंग कोर्स में कितना डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे चैनल्स के काफ़ी सारे व्यूवर्स ने कई बार मुझसे किया है कि आप हमें बेसिक अकाउंटिंग कोर्स में क्या कुछ सीखने को मिलता है और एडवांस अकाउंटिंग कोर्स में क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे भी अगर आप बेसिक अकाउंटिंग कोर्स करते हो तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए, अगर आप एडवांस अकाउंटिंग कोर्स करते हो तो आपको वहाँ पर क्या क्या सीखना जरूरी है, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा भी जिस कंपनी में अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर एक स्पष्ट लाइन लिखी होती है भी अकाउंटेंट है अगर उसको बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज है तो भी हम उसको हायर कर लेंगे, और कई बार ऐसा लिखा होता है जो हमें अकाउंटेंट चाहिए उसको एडवांस अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों अकाउंटिंग कोर्स में और क्या क्या सिखाया जाता है दोनों कोर्स में, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अकाउंटेंट कोर्स करना चाहते हो अकाउंटिंग का कोर्स तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक कंप्लीट देख लेते हो तो सारी बातें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी अकाउंटिंग कोर्स को लेकर। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और विजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कोर्स में, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग कोर्स में क्या क्या ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमें सीखने जरूरी है, और उससे सबसे पहले हम उन पे स्टेप टू स्टेप उन पे बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो उसमें आता है अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स। शुरुआत आपकी बिल्कुल यहीं से ही होनी है। अगर आप बिल्कुल अकाउंटिंग में बिल्कुल जीरो हो, यानी कि आपने शुरुआत आज ही करी है, तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स होते क्या है, जैसे कि अगर आप कोई भी एंट्री करते हो तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए भी क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, कौन सा लेजर है उसके अंदर पर्सनल अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट होगा, या जो रियल अकाउंट होंगे परचेज सेल या फिर जो कैश है वो क्रेडिट होंगे कि डेबिट होंगे, या फिर आप जो एंट्री कर रहे हो उसमें नॉमिनल अकाउंट है या नहीं है, नॉमिनल अकाउंट्स हैं तो वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। तो यानी कि कहने का मतलब आपको पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, इनके साथ साथ आपको डेबिट और क्रेडिट का भी पता होना चाहिए भी कौन सा लेजर डेबिट होगा, कौन सा लेजर है जो क्रेडिट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट शुरुआत ही आपकी यहीं से होनी है। सेकंड बात, वाउचर क्रिएशन। अब वाउचर क्रिएशन का मतलब, अब मान लीजिए आपने अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, अब उसके बाद में जो बिजनेस में जो वाउचर यूज होते हैं, अब उन वाउचर्स को आपको बनाना आना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो एज ए अकाउंटेंट, अब कस्टमर को आपको सेल इनवॉइस बना के देना है, तो आपको सेल इनवॉइस बनता कैसे है, क्या स्टॉक आइटम लिखी जाती है, क्वांटिटी कहाँ से होता है, उसका टैक्सेबल रेट कैसे निकलता है, एचएसएन कोड हमें कहाँ पर लिखना होता है, टोटल नेट वैल्यू हम किस तरीके से करेंगे, डिस्काउंट हमें किस तरीके से करना है, उसमें फ्रेट अगर कोई किराया भाड़ा हमें ऐड करना हो सेल इनवॉइस में तो किस तरीके से करेंगे, कस्टमर को अगर हमें कोई क्रेडिट नोट है या फिर डेबिट नोट इशू करना पड़े तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर को डेबिट नोट कब इशू करते हैं, क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, या फिर कस्टमर को अगर आपको कोई रिसिप्ट वाउचर अगर आपको देना पड़े तो आप उस रिसिप्ट वाउचर में क्या लिखोगे और रिसिप्ट वाउचर किस तरीके से बनाई जाती है। तो यानी कि अब जो अकाउंटिंग वाउचर जो यूज होते हैं उनको आपके बारे में उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, वो आपको बनाने भी आने चाहिए और उनको आपको बेसिक उनकी जो अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होती है वो भी आपको आनी चाहिए। पॉइंट नंबर अगर हम तीन की बात करें तो डे बुक मेंटेन। अब डे बुक मेंटेन का मतलब भी आपने जिस भी कंपनी में आप अकाउंटिंग वर्क करते हो तो वहाँ पर जो उस अकाउंट मतलब बिजनेस के अंदर जो रूटीन वर्क है, ये पूरे दिन के दौरान आपने टोटल गुड्स है जो कितने परचेज किए, कितना सेल किया, कितना आपने पेमेंट किया, कितना आपने रिसिप्ट किया, कितना आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है, कितना बैंक के थ्रू आपने पेमेंट रिसीव किया है, कितना बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया है, तो ये जो भी ट्रांजेक्शन आपने पूरे दिन में करिए उसको आपको डे बुक में अच्छी तरीके से मेंटेन करना आना चाहिए भी आप डेबिट में क्या लिखोगे, क्रेडिट में क्या लिखोगे, तो इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो मैं ये सारी बातें आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। उसके बाद में लेजर पोस्टिंग। अब लेजर पोस्टिंग का मतलब भी आपने जो भी डे बुक तैयार करी है तो फाइनली डे बुक तैयार होने के बाद में सेम उसी दिन अलग अलग लेजर भी आपके क्रिएट होंगे डे बुक में, तो अलग अलग उन लेजर में उनकी अमाउंट की पोस्टिंग करना, यानी कि आपको खाते है जो तैयार करना। उसके बाद में स्टॉक मेंटेन। स्टॉक मेंटेन का मतलब आपने पूरे दिन के दौरान
जो भी गुड्स अगर आपने कोई खरीदा हो या कोई भी सामान आपने सेल किया हो, तो कितना गुड्स आपकी बिजनेस में पूरे दिन में आया, कितना आपका स्टॉक का जो आउट हुआ, उसको प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन करके चलना। उसके बाद बारी आती है बुक्स फाइनलाइजेशन की। अब जैसे कि आपको बुक्स फाइनलाइजेशन मतलब, जैसे कि मान लीजिए आप केवल अकाउंटिंग ही देखते हो, आपको कोई टैक्स के मतलब हम कोई यहाँ पे कोई टैक्सेशन की बात ही नहीं कर रहे, जीएसटी रिटर्न की कोई बात नहीं कर रहे, हम कोई किसी इनकम टैक्स की रिटर्न की बात नहीं कर रहे, हम केवल बेसिक अकाउंटिंग कोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब इतना स्टेप होने के बाद में जैसे बुक्स फाइनलाइजेशन यानी कि बुक्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कौन सा लेजर है जो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, कौन सा लेजर बैलेंस शीट का होता है, तो बैलेंस शीट में होता है तो कौन सा हमारा लायबिलिटी साइड का होता है, कौन सा हमारा एसेट साइड का होता है, ये तो इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बी वाउचर पोस्टिंग इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो यानी कि आपको ये इस तरीके की मतलब बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको कुछ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ तक जो ऊपर जो भी प्रोसेस अभी तक हमने बात करी है, ये सारी की सारी हमने मैनुअली बात करी है, यानी कि इतना रूल्स आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करने से पहले आपको ये इनके बारे में मैनुअल नॉलेज भी होना जरूरी है। तो वाउचर पोस्टिंग इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी आप सीख रहे हो, चाहे आप टैली सीख रहे हो, चाहे आप बीजी सीख रहे हो, चाहे अदरवाइज कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो हमने मैनुअल रूप से जितना भी काम किया है, उन सभी काम को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो सॉफ्टवेयर में जैसे आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, कंपनी क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर का नाम हमने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में जो उसका ग्रुप सिलेक्शन करना होता है, वो उसका ग्रुप का सिलेक्शन हमें पता होना चाहिए भी ये हमारा सैलरी क्रेडिटर होगा या फिर सैलरी डेबिटर्स होगा या हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इन यानी कि जो भी लेजर आप क्रिएट करोगे उसके ग्रुप्स के बारे में आपको पहले माइंड में क्लियर होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको पता है भी ये जो लेजर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो आप या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करोगे या फिर इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करोगे। आपको पता भी ये जो हमारा पार्ट है ये ट्रेडिंग का पार्ट है, तो या तो आप उसमें से डायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करोगे या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करोगे या फिर परचेज सेलेक्ट करोगे या फिर सेल सेलेक्ट करोगे। तो उसके बाद अगर आपको लगता है ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है, तो बैलेंस शीट में किस टाइप का पार्ट है, एसेट साइड में, तो एसेट साइड में किस टाइप का है, एक कोई इन्वेस्टमेंट है या आपकी कोई फिक्स्ड एसेट है या फिर कोई बैंक का लेजर है, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना अच्छी तरीके से जरूरी है। उसके बाद में आपको आल टाइप रिपोर्ट्स यानी कि आपको किसी भी पार्टी का, किसी भी कस्टमर का लेजर है जो देखना आना चाहिए पर्टिकुलर अच्छी रिपोर्ट्स के पास, रिपोर्ट के साथ इन्वेंट्री डिटेल के साथ, स्टॉक आइटम का आपके पास कौन सा स्टॉक आइटम कितना आपके पास बुक्स में आ रहा है, उस चीज़ की रिपोर्ट्स आपको देखना। तो यानी कि ये जो बेसिक्स बातें हैं ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ये होता है सारा बेसिक अकाउंटिंग कोर्स में। अब बात आती है एडवांस अकाउंटिंग कोर्स की। तो अब एडवांस अकाउंटिंग कोर्स में यानी कि जो बेसिक अकाउंटिंग जो नॉलेज है वो तो होगा ही होगा, अब उसके साथ में आपको वेल नॉलेज ऑफ टैक्सेशन, तो यानी कि अब टैक्सेशन जो टैक्स कंप्लायंस होते हैं उनके बारे में आपको जानकारियां होनी अच्छी तरीके से जरूरी है। अब हम उसमें बात करते हैं सबसे पहले जीएसटी रिटर्न्स की। अब जीएसटी रिटर्न्स, अब जीएसटी आर वन रिटर्न्स क्या होता है, अब जीएसटी आर वन की जो रिटर्न है, अब कौन से पार्ट में बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है, यानी कि डेबिट नोट रजिस्टर्ड क्या होता है, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड क्या होता है, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, इनके बारे में पता होना चाहिए। जो आपकी एग्जम्प्ट सेल है, नील रेटेड सेल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एचएसएन कोड की समरी कैसे तैयार होती है, अगर उसमें कोई एरर आती है तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जाता है, डॉक्यूमेंट समरी कैसे होती है, यानी कि जो भी जीएसटी की रिटर्न जीएसटी आर वन हम तैयार करते हैं उसके जितने भी हमारे पास पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में आपको जानकारियां होनी जरूरी है। उसके बाद में जैसे कि हम जीएसटी आर थ्री बी को तैयार करते हैं, तो थ्री बी के अंदर कौन सा रिकॉर्ड हमें देना होता है, आईटीसी किस तरीके से मैच करेंगे, जो हमारी सेल काउंटिंग करनी है किस तरीके से सेल हमें देना है, टैक्सेबल सेल कैसे कहाँ लिखी जाती है, टैक्स की जो एग्जम्पशन सेल होती है वो कहाँ लिखी जाती है, जो हमारी एग्जम्प्ट जो परचेज है उसका कॉलम कहाँ होता है, तो यानी कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जीएसटी आर टू क्या होता है, टू बी क्या होता है, बुक्स के साथ हम पोर्टल से और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से किस तरीके से टू ए को और हमारा बुक्स का टू ए हम मैच कर पाएंगे, कितना आईटीसी हमें लेना है,
हमें जो ऑनलाइन पोर्टल पर हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस हमारा लेजर में कितना बोल रहा है, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद में TDS और TCS रिटर्न्स के बारे में भी, TDS और TCS रिटर्न्स है वो किस तरीके से तैयार होती है, जो TDS है या फिर कोई TCS हमने कलेक्ट किया है तो उसको हमें कब डिपॉजिट करवाना होता है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, जब TDS है या फिर TCS की रिटर्न्स हम तैयार करते हैं तो हमें कौन कौन सी बेसिक बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और उसके बाद में जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स है, अब इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी कि जब हम बुक्स ऑफ फाइनल हमारी करते हैं तो हमें जो हमारा फाइनल डाटा हमें इनकम टैक्स रिटर्न में देना होता है, तो कितनी हमारी जो डिडक्शन है, ATC की छूट क्या होती है, ATD की छूट क्या होती है, कौन सी छूट हमें लेनी है, कौन सी छूट से हमारी जो डिसअलाउ होगी, कौन सा एक्सपेंसेस हमें दिखाना है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके का नॉलेज होना जरूरी है। और उसके बाद में आपने जो भी जिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपकी पकड़ है यानी कि जो भी अकाउंटिंग कोर्स आप मतलब सॉफ्टवेयर जो आपने सीखा है तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारियां होनी जरूरी है। अब बेसिक तो आपको हो गया ही होगा उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, मान लीजिए आपने किसी इंस्टीट्यूट पे जाके टैली सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हो तो आपको टैली सॉफ्टवेयर के हर एक फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, वो भी प्रैक्टिकली। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपको कोई ऑन द स्पॉट कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपको फिल्टर लगाना आना चाहिए, आपको रिपोर्ट्स को है उसका शॉर्टकट तरीका आपको होना चाहिए, आप जो भी रिपोर्ट्स आप देख रहे हो उसको मैं एक्सेल में है या फिर उसका JSON जो फाइल तैयार होता है उसको हम किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, प्रिंटिंग की सेटिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो आपको जो वाउचर एंट्री करनी है सॉफ्टवेयर में उसके साथ साथ उसके जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं जो कि कंपनी में जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं जो रिपोर्ट्स देखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उन फीचर्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। और हम उसके साथ साथ हम बात करते हैं बेसिक और एडवांस नॉलेज का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज भी आपको होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब एक्सेल के अंदर आप जो बुक्स ऑफ फाइनलाइजेशन करोगे या फिर आप GST रिटर्न तैयार कर रहे हो, चाहे TDS है, TCS है, चाहे इनकम टैक्स है, तो आपको कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा डाटा एक्सपोर्ट हम जो करते हैं वो एक्सेल में करते हैं, तो एक्सेल की जो फॉर्मेटिंग होती है वो हमें अच्छी तरीके से करनी आनी चाहिए, रो और कॉलम की जो हाइट है या उसकी चाहे वो विड्थ है उसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी आनी चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसका नॉलेज हमें पता होना चाहिए, जो जो हम जिस कंपनी में अकाउंटिंग वर्क करते हैं उसी अकाउंटिंग वर्क से रिलेटेड जो फॉर्मूला यूज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपको सम है, जोड़ घटाओ गुणा भाग है, या फिर कोई लुकअप वी लुकअप इफ के फॉर्मूले, परसेंटेज के फॉर्मूले, काउंटिंग के फॉर्मूले, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में लिंकिंग यानी कि हम किसी एक सीट को दूसरी सीट के साथ या फिर एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ हम किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, लिंक करने का आपको तरीका आना चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया भाई आपको बेसिक नॉलेज भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होना बहुत ही जरूरी है आपको किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ, तो उसके साथ आप एडवांस करने का मतलब हो गया भी एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपको बेसिक अकाउंटिंग का ये जो नॉलेज है इसके साथ साथ आपको टैक्सेशन के कंप्लायंस है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारियाँ होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एडवांस कोर्स में रिवर्स एंट्रियाँ क्या होती है, क्योंकि जब बुक्स ऑफ फाइनल करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं जो हमें रिवर्स करनी पड़ती है जर्नल वाउचर में जाके, तो वो किस तरीके से करते हैं, कौन सी रिवर्स हो सकती है, कौन सी रिवर्स में हम फंस सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको बेसिक अकाउंटिंग कोर्स और एडवांस अकाउंटिंग कोर्स का जो डिफरेंस है वो आपको पता लग गया होगा। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।